All right students. So let's start our lecture. Good morning students. So let's revise that within last lecture within the topic that is e-commerce organizational application.

After that, e-commerce and retail industry, जिसके अंदर हमें ये ध्यान में रखना था कि retail industry के अंदर भी अगर हम e-commerce applications के related सोचते हैं, तो वहाँ पे हमें कौन-कौन सी चीजें consider करनी है। Then we have seen the point that is marketing and e-commerce within the target marketing, relationship marketing, event marketing, interactive marketing, right? आफ्टर दैट वी हैव सीन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल एप्लीकेशन उसके अंदर भी हमने देखा कि अगर हम मैनुफैक्चरिंग uh, इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम होती है अगर हम रिटेल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे क्विक रिस्पॉन्स प्रोग्राम्स होते हैं और अगर हम ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पे कंसाइनमेंट ट्रैकिंग सिस्टम होता है राइट right? And after that, humne just in-time manufacturing or quick response retailing, humne detail me dika. Right? All right. Now let's move on to the another point that is supply chain management. Again, I repeat. Now let's move on to another point that is supply chain management related to e-commerce organizational application. Right. Now what is the scenario? Hum kya karte hai. जहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, रिटेलर्स भी होते हैं सप्लायर्स भी होते हैं कस्टमर्स भी होते हैं राइट right? ये सारी जो भी डिफरेंट एंटिटीज है उसे हम एक साथ कैसे ला सकते हैं अगर हमारे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज करना है अलोंग विथ ई कॉमर्स एप्लीकेशन तो ये सारी डिफरेंट एंटिटीज को हमें कैसे एक साथ लानी है हमें पता है स्टूडेंट्स के बहुत सारे सप्लायर्स ऐसे होते हैं जो अनरिस्पॉन्सिव होते हैं राइट right? अच्छी तरह से हमें रिस्पांस नहीं देते हैं बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि जिसकी डिमांड ओ माय गॉड ऐसी होती है राइट right? मैन्युफैक्चरर्स खुद के हिसाब से करते हैं एंड अलोंग विद ये जो सारी एंटिटी है उन्हें हमें कंपिटिटिव मार्केट के अंदर भी रखना है अब हम ये सारी चीजें कैसे करेंगे राइट सो द थिंग इज इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट का यूज करके हम ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ एंटिटीज है जिसके बीच में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं उन्हें अगर हमें स्मूथली रन करना है तो हमें ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंसेप्ट को ध्यान में

And of raw से, तक, and तक जो तक पहुंचती है हम ये पूरी चेन को स्मूथली रन कर सके अगेन आई रिपीट सप्लाई चेन मैनेजमेंट उसे हम एक्सटेंडिंग बी कहते हैं बिकॉज इसका मीनिंग क्या होता है वी नीड टू इंटीग्रेट अवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टनर्स दोनों पार्टनर्स को इंटीग्रेट करना है एक्सटर्नल पार्टनर्स मतलब यहाँ पे सप्लायर को भी कंसीडर कर देना है राइट right? उन्हें इंटीग्रेट करना है किसके लिए ऑन द सप्लाईज एंड प्रोसेस चेन हम रॉ मटेरियल लेते हैं मैन्युफैक्चरर तक पहुंचता है फिनिश प्रोडक्ट बनती है और कंज्यूमर तक पहुंचती है हमारी फिनिश प्रोडक्ट वो हम स्मूदली रन कर सके वो सारी चीजें हम स्मूथली मैनेज कर सके दैट्स व्हाई वी नीड टू इंप्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट और इसे हम एक्सटेंडिंग के टर्म्स में भी हमें देखना है राइट right? अब ये सारी चीजें स्टूडेंट्स हमें करनी तो है लेकिन हमें इसके साथ साथ हमें ये भी सोचना है कि देर विल बी लैक ऑफ सिस्टम इंटीग्रेशन राइट ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट फ्रेगमेंट राइट डिफरेंट फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहां पे लैक ऑफ सिस्टम इंटीग्रेशन भी हो सकता है बट हमें ये भूलना नहीं है कि हमें कस्टमर सर्विस को बूस्ट अप करना है एंड अलोंग विद डेट हमें ये सारी अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है कि कहाँ पे हम हमारी कॉस्ट को कट कर सके कॉस्ट रिड्यूस कर सके राइट सो दीज आर द मैनी डिफरेंट मेनी के जो हमें कंसिडर करने हैं विद इन दिस सप्लाई चेन मैनेजमेंट दो देर विल बी लैक ऑफ सिस्टम इंटीग्रेशन दो देर विल बी मैनी डिफरेंट लैक ऑफ द थिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेटेड एक्स वाई जेड रिलेटेड बट हमें ये सोचना है कि हमें क्या करना है कि हमें ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है कि जिसका यूज करके हम कॉस्ट कट कर सके कॉस्ट रिड्यूस कर सके और उसके साथ साथ हमें ये भी सोचना है कि हम कैसे कस्टमर सर्विस को बुस्टअप कर सके राइट right? अगर हम इतना सोचेंगे ना स्टूडेंट्स तो हम बहुत ही अच्छी तरह से सारी चीजें मैनेज कर पाएंगे एंड फॉर दैट सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर इसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन डिफाइन किए गए हैं अगेन आई रिपीट उसके लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन डिफाइन किए गए है सो विच आर द फंक्शन्स फर्स्ट इज सप्लायर मैनेजमेंट द फर्स्ट फंक्शन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज सप्लायर मैनेजमेंट अब भाई ये सप्लाई चेन सॉरी सप्लायर मैनेजमेंट का गोल क्या होगा सप्लायर मैनेजमेंट का गोल होगा कि भाई मुझे नंबर ऑफ सप्लायर्स को रिड्यूस करना है और जहां तक हो सके उन्हें हमारे बिजनेस के पार्टनर्स बना देने हैं राइट ये सप्लायर मैनेजमेंट का गोल होना चाहिए क्यों अगर हम नंबर ऑफ सप्लायर्स को रिड्यूस करेंगे और उसके साथ साथ हम उन्हें पार्टनर्स बना देंगे तो वो लोग भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे बिकॉज ऑब्वियसली वो लोग पार्टनर्स है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा भाई तो उनको भी तो वो शेयर मिलेगा राइट सो दिस इज हाउ के हमें किस हिसाब से सोचना है राइट सो सप्लायर मैनेजमेंट का गोल ध्यान में रखते हुए हमें बहुत सारे सप्लायर्स नहीं रखने हैं हमें अच्छे वाले सप्लायर्स रखने हैं कि जो हमारा पार्टनर भी बने और उसके साथ साथ हमें अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल और उसके साथ साथ विथ लो प्राइस हमें वो रॉ मटेरियल दे दे सो so इससे क्या होगा ऑब्वियसली विन विन रिलेशनशिप हो जाएगी सप्लायर को भी बेनिफिट होगा बिकॉज़ वो लोग क्या हो जाते हैं हमारे बिजनेस के पार्टनर्स हो जाते हैं राइट एंड हमें भी बेनिफिट होगा बिकॉज़ हमें सप्लायर uh, के पास से हम कोई भी चीज परचेस करते हैं तो वेट नहीं करना पड़ेगा कि भैया ये रॉ मटेरियल कब आएगा फोन नहीं करना पड़ेगा उसे इंटीमेट नहीं करना पड़ेगा पोक नहीं करना पड़ेगा कि भैया रॉ मटेरियल बेच दो बेच दो राइट सो दिस इज द थिंग और ये सारी चीजें अगर हम ई-कॉमर्स e एप्लीकेशन के अंदर टर्न आउट कर देंगे तो बहुत ही कम एम्प्लॉई के साथ हम ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं और हमारी वो जो ऑर्डर प्रोसेसिंग साइकिल है ना उसका टाइम भी हम रिड्यूस कर सकते हैं राइट सो दिस इज हाउ वी नीड टू थिंक विद इन सप्लायर मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट गोल इज टू रिड्यूस नंबर ऑफ कस्टमर एंड गेट देम टू बिकम अवर पार्टनर्स राइट सेकेंड फंक्शन इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट ओके अब ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट फंक्शन है तो उसका गोल क्या होगा वी नीड टू रिड्यूज ऑर्डर शिप साइकिल अगेन आई रिपीट वी नीड टू रिड्यूज ऑर्डर शिप साइकिल टाइम राइट हमें क्या करना है Obviously, हमारे भी भी कोई जो ऑफ पार्टनर्स है राइट right, वो हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिकली लिंक हो जाएंगे राइट right, तो हमें कोई भी डॉक्यूमेंट ऑन पेपर मतलब पेपर डॉक्यूमेंट भेजना नहीं पड़ेगा पेपर डॉक्यूमेंट भेजना नहीं पड़ेगा तो वो टाइम रिड्यूस हो जाएगा राइट right? मतलब जो भी डिसीजंस लेने हैं राइट right? वो फास्टर मैनर में होंगे बिकॉज़ फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट दैट इज फ्रॉम वन बास्केट टू अनदर बास्केट हमें हमारा पेपर भेजना नहीं पड़ेगा हमें हमारा डॉक्यूमेंट इन टर्म्स ऑफ पेपर भेजना नहीं पड़ेगा अब इससे क्या होगा ऑबवियसली अगर हम पेपर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर नहीं भेजते हैं वी आर जस्ट सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इट इज वेरी इजी टू इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली हम यहाँ पे ई कॉमर्स एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स सो अगर हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम ये डॉक्यूमेंट ट्रैकिंग सिस्टम भी उसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे नाउ इससे क्या होगा ऑडिटिंग जो हमारी कैपेबिलिटीज है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी हमें पता रहेगा कि भैया ये डॉक्यूमेंट कितने पीपल तक पहुंचा है ये ट्रैकिंग हम रख सकते हैं अलोंग विद डेट हम दूसरी कौन कौन सी चीजें हम रिड्यूस कर सकते हैं हम हमारा जो इन्वेंट्री लेवल है उसे भी रिड्यूस कर सकते हैं राइट right? हम जो भी आउट ऑफ स्टॉक जो होता है राइट right? हम हमारा रिओर्डर लेवल अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने देंगे जो भी रिस्टॉकिंग का कंसेप्ट है वो हम अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी तरह से कर पाएंगे ताकि अगर हमें कोई ऑर्डर मिले हम उसे शिप करें और बिलिंग हो उसका वो जो पूरी साइकिल है वो बहुत ही अच्छी तरह से हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं आप ही सोचो स्टूडेंट्स अगर आप कोई चीज आज ऑर्डर करते हो महीने बाद उसे शिप करते हो और ऑब्वियसली आपको पता है कि थाउजेंड कार का ऑर्डर है तो उसका पेमेंट तो तुरंत तो नहीं आ जाएगा उसे फॉर एग्जाम्पल

जो चीज को टू मंथ्स लगते थे हम वही चीज को भैया रिड्यूस टर्म्स में भी कर सकते हैं तो हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा राइट सो दिस इज द गोल ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट फंक्शन विद इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट राइट नाउ द थर्ड फंक्शन विद इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट हम किसके टर्म्स में बात कर रहे हैं हम डॉक्यूमेंट्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं सो द गोल ऑफ दिस फंक्शन इज टू मूव द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द शिपिंग राइट right? जो भी शिपिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है उसे उसे फास्टर मैनर में मूव करना है एफिशिएंट मैनर में मूव करना है ताकि जो बिलिंग की प्रोसीजर है परचेज ऑर्डर की प्रोसीजर है इवन शिप नो शिपमेंट नोटिस की प्रोसीजर है वो सारी प्रोसीजर अच्छी तरह से कंप्लीट हो फास्टर मैनर में कंप्लीट हो राइट right? हमें पता है कि टिपिकल वो जो हम पेपर वर्क करते थे उसमें एक, एक, के अंदर एक पेपर जाता है वो वहां का मैनेजर है उसने वो पेपर देखा नहीं देखा देख के साइन किया फर्दर उसे कोई और डिपार्टमेंट में जाना है तो भेजा नहीं भेजा भैया ये ट्रैकिंग कौन रखेगा अगर हम पेपर वर्क की बात करें तो और हमें भी पता है कि एक बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे भी बंदे हैं कि जो झूठ बोलते हैं राइट बोल देते हैं हाँ भाई मैंने तो साइन करके पहुंचा दिया है आप लोग को नहीं मिला तो मैं क्या करूँ राइट ऐसे भी बंदे होते हैं सो so, अगर हमें ये सारे डेटा एक्यूरेटली मैनेज करने हैं राइट ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेटली मैनेज करने हैं तो हमें बहुत ही अच्छी तरह से प्लानिंग करना पड़ेगा राइट right? हमें बहुत ही अच्छी तरह से रिसोर्स प्लानिंग के इम्प्रूवमेंट में भी ये डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट काम लगता है राइट right? आप ही सोचो ना स्टूडेंट्स कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे ऑफलाइन आते थे राइट right? तो आपको पता है वो एक कंपटीशन के रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन इन, आप तक पहुंचानी है तो वो ऑन पेपर आती थी राइट right? पहले एक क्लास में जाती थी फिर वहां पे वो अगर फैकल्टी लेक्चर ले रहे हैं तो उसने अनाउंस तो कर दिया साइन करके खुद के खुद के, के पास रख दिया दूसरे क्लास में भेजा ही नहीं तो आप सोचो सिक्स क्लास है तो 6 घंटे लग जाएंगे एक डॉक्यूमेंट को सारे क्लासेस के अंदर जाने में लेकिन अगर वही चीज अभी हम अगर whatsapp थ्रू भेज देते हैं आपको राइट right? तो ऑन अ सिंगल क्लिक राइट right? सारे स्टूडेंट्स के पास वो डॉक्यूमेंट पहुंच जाएगा विद ऑल द इंफॉर्मेशन दिस इज द थिंग वी नीड टू विद इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट ये ही चीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर भी होती है कि अगर हम पेपर वर्क के ऊपर डिपेंडेंट रहे ना भैया तो तो सोच लो कि ये काम कब होगा राइट right? सो so, आपको इस हिसाब से सोचना है कि हम ये डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के अंदर हम हमारे डॉक्यूमेंट्स को कैसे मैनेज करें राइट फोर्थ फंक्शन विद इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज चैनल मैनेजमेंट राइट अब ये चैनल मैनेजमेंट का गोल क्या होगा द गोल ऑफ दिस चैनल मैनेजमेंट इज टू क्विकली डिसमिनेट इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजिंग ऑपरेशनल कंडीशन टू ट्रेडिंग पार्टनर्स जो भी हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स है उनको हमारे ऑपरेशनल कंडीशन के अंदर जो भी चेंजेस आई है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन फास्टर मैनर में डिसेमिनेट करना है फास्टर मैनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है फास्टर मैनर में भेजना है क्यों भैया ट्रेडिंग पार्टनर्स को ये इन्फॉर्मेशन फास्टर मैनर में सेंड करने की जरूरत क्या है अरे भाई उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी वो इन्फॉर्मेशन को देखेंगे उसको स्टडी करेंगे फिर हमें डिसीशन लेने में टाइम भी लग सकता है राइट सो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम टेक्निकल प्रोडक्ट और ये जो प्राइसिंग इंफॉर्मेशन है राइट जो हमें इनके पास पहुंचानी है राइट right? वो हम अगर फास्टर मैनर में पहुंचा देंगे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बना दो आपकी पोर्टल के ऊपर आपकी एप्लीकेशन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड बना दो कि जिसके ऊपर ये इन्फॉर्मेशन फ्लैश होती रहेगी राइट right? तो कोई भी बंदा आपका ट्रेडिंग पार्टनर एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा पहले ही ये इन्फॉर्मेशन उसको फ्लैश हो जाएगी तो उसके पास ये इन्फॉर्मेशन आराम से पहुंच जाएगी राइट सो दिस इज हाउ पहले क्या करना पड़ता था स्टूडेंट्स उसे कॉल करना पड़ता था जितने ट्रेडिंग पार्टनर्स है सारे बंदे को वन बाय वन कॉल करो उसे समझाओ कि भैया ये है यहाँ पे चेंजेस हुआ है ये करना है वो करना है लेबर कॉस्ट रिड्यूस की है या फिर लेबर टाइम रिड्यूस हुआ है क्या है भैया ये सारी चीजें एक एक बंदे को कॉल करके समझाना पड़ता था लेकिन अगर हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन की बात करें और उसमें भी ये चैनल मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करें ना तो उसके अंदर हम यही चीज इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का यूज करके सारे पीपल को जितने पीपल को वो इंफॉर्मेशन की जरूरत है उसे ऑन अ सिंगल क्लिक पहुंचा सकते हैं राइट फिर हम वो आ, ये इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें या फिर हमारे रीसेलर्स की बात करें या एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन की बात करें राइट right? जो इंफॉर्मेशन जिसको जिस वक्त जरूरी है on a single click हम पहुंचा सकते हैं। अनदर इज पेमेंट मैनेजमेंट अब ये पेमेंट मैनेजमेंट जो फंक्शन है उसका गोल क्या होगा द गोल इज टू लिंक द कंपनी एंड द सप्लायर्स एंडस्ट्रीब्यूटर्स सो देंड और रिसीव करना है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम कर सके राइट अगेन आई रिपीट ये पेमेंट मैनेजमेंट का गोल क्या होना चाहिए हम क्या करेंगे हमारी कंपनी हमारा जो सप्लायर है वो और हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो ये तीनों बंदे को भाई इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट कर लो ताकि जो भी पेमेंट सेंड और रिसीव करना है ना हम इलेक्ट्रॉनिकली ये पेमेंट को सेंड और रिसीव कर सके ताकि जो भी हमारी प्रोसेस है उसकी स्पीड इंक्रीज हो सके ट्रांजेक्शन फीस भी कम हो जाएगी क्लैरिकल एरर भी कम हो जाएगी इसके साथ साथ कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी लेकिन हमें बेनिफिट क्या होगा हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी राइट बिकॉज जो टाइम हमें ये सारी चीजों को कैलकुलेट करने में लग जाता था अरे भाई कॉल करो भैया आपको पेमेंट देना है कितना देना है अरे भैया मुझे पेमेंट लेना है कितना लेना है ये सारी चीजों में बहुत टाइम लग जाता था तो प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं मिलती थी हमारे सेलिंग इतना हमारा सेलिंग इतना नहीं होता था लेकिन अगर हम ये सारे पीपल को इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट कर देंगे देन इट विल बी वेरी इजी इन टर्म्स ऑफ पेमेंट मैनेजमेंट राइट सो दैट इज द गोल ऑफ पेमेंट मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट अनदर फंक्शन इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट

हमने ये डिस्कस किया था कि इफ यू वांट टू डील इन द ग्लोबल मार्केट तो वहां पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स कि जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं एंड विद इन दैट वन पॉइंट वॉज करेंसी राइट बिकॉज हमें पता है कि इंडियन करेंसी इज रुपीज जापान की करेंसी है येन अमेरिकन डॉलर्स है कैनेडियन डॉलर्स है राइट right? पाउंड है बहुत सारी यूरो है बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसीज है सो इफ वी वांट टू इजीली मैनेज ऑल दिस थिंग तो हम ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं बिकॉज इसका गोल क्या रहेगा कि जो भी ग्लोबल कंपनीज है वो खुद के पैसे फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट के अंदर इजिली मैनेज कर सके ताकि जो भी uh, कंट्री के अंदर हमें डील करनी है राइट right? फिर वो कैनेडियन डॉलर हो अमेरिकन डॉलर हो या फिर आ, येन हो या फिर आ, आ, क्या कहते हैं हम उसे आ, यूरो हो पाउंड हो कोई भी करेंसी हो भैया हम डील करने के लिए रेडी है हमारे पास बहुत ही अच्छी आ, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है हम बहुत ही अच्छी तरह से ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं वी विल एबल टू सर्वाइव इन ग्लोबल मार्केट कोई भी करेंसी ले आओ कोई भी कहीं से भी हमें परचेस करना हो या कोई भी कंट्री के अंदर सेल करना हो वी आर रेडी बिकॉज हमने ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन इम्प्लीमेंट इलेक्ट्रॉनिकली कर दिया है राइट right? वो अपने आप ही ये फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होती है दैट इज बैंक होते है राइट right? उनकी भी एबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी राइट सो ग्लोबली ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए हमें ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में भी सोचना पड़ेगा राइट ऑब्वियसली स्टूडेंट्स सभी जगह रिस्क होते हैं राइट right? अगर हम ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के अंदर डील करना चाहते हैं ना तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली वहां पे बहुत सारे रिस्क होते हैं राइट फ्रॉड्स होने के चांसेस होते हैं लेकिन हम सब जगह पे सिक्योरिटी रखते हुए सारी चीजों को डील कर सकते हैं सारी चीजों के साथ हम डील कर सकते हैं राइट सो दिस इज अबाउट द फंक्शन दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड द लास्ट फंक्शन विद इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज सेल्स फोर्स प्रोडक्टिविटी राइट दिस इज द लास्ट फंक्शन इसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है ऑब्वियसली बाकी सारे फंक्शन के गोल थे तो इसका भी कोई गोल होगा राइट सो द गोल ऑफ सेल्स फोर्स प्रोडक्टिविटी इज To improve the communication and flow of information among the sales, customer, and production functions. Right? Obviously, customer relationship management, best example. राइट right, सप्लायर के साथ सारी चीज मैनेज करना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ सारी चीज मैनेज करना इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हमारे पास अगर कोई ऑर्डर आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास वो पहुंचा ही नहीं है राइट right, तो भैया वो प्रोडक्शन कब करेगा हमें कब देगा हम कस्टमर तक कब पहुंचाएंगे क्या पता लेकिन अगर हम ये सारी चीजें अच्छी तरह से मैनेज करें सारे डिपार्टमेंट्स के साथ सारे पीपल के साथ टाइम टू तो टाइम कम्युनिकेट करें उन्हें इंफॉर्मेशन पहुंचाए तो हम हम कस्टमर के साथ रिलेशनशिप भी अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं हमारे सप्लायर के साथ भी हम रिलेशनशिप अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं एंड अलोंग विद दैट हम हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ भी अच्छी तरह से कम्युनिकेट करके सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं राइट मीन इन शॉर्ट हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, वी नीड टू लिंक द सेल्स फोर्स विथ रीजनल एंड कॉर्पोरेट ऑफिस राइट कि जो किसके ऊपर डिपेंड होता है ऑब्वियसली ग्रेटर एक्सेस टू मार्केट इंटेलिजेंस एंड कॉम्पिटिटर इंफॉर्मेशन हमें हमारे कॉम्पिटिटर की भी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए भैया हमारे पूरे मार्केट की इंफॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए हमारा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है कौन सी प्रोडक्ट बना रहा है कितनी प्राइस पे वो सेल कर रहा है हमें ये पता होगा तो हम हमारी प्रोडक्ट के लिए भी सोचेंगे ना राइट right? सो so, ये सारी इंफॉर्मेशन की भी हमें जरूरत पड़ती है लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या करना है हमारी सर्विस की क्वालिटी को भैया इंक्रीज करना है वरना कोई हमारे पास परचेज नहीं करेगा एंड अलोंग विद दैट जो कस्टमर सर्विस है ना वो भी हमें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का यूज करके अच्छी तरह से प्रोवाइड करनी है अगर हम ये सारी चीजें सोचेंगे देन वी विल एबल टू सर्वाइव इन दिस कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड राइट right? अगर हम कस्टमर के बारे में नहीं सोचेंगे उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप रखने के रखने के बारे में नहीं सोचेंगे तो भैया भूल जाओ आप ये कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड के अंदर आप सरवाइव नहीं कर सकते राइट सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग रिलेटेड टू सेल्स फोर्स प्रोडक्टिविटी राइट विच इज द फंक्शन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट राइट सो स्टूडेंट दिस वॉज द पॉइंट दट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट जिसे हम एक्सटेंडिंग बी कहते हैं और उसके अंदर हमें ये जो हमने फंक्शन देखे दट इज सप्लायर मैनेजमेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट चैनल मैनेजमेंट पेमेंट मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सेल्स फोर्स प्रोडक्टिविटी ये सारे फंक्शन के बारे में हमें ध्यान में रखना है Right? And the last important point within topic 1.5 e commerce organizational application is work group collaboration applications. Again, I repeat the last point in this topic, that is topic 1.5 e commerce organizational application, is topic that is the point work group collaboration applications. अब आप सोचोगे व्हाट इज वर्क ग्रुप कोलोबरेशन आपको मारुति एंड सुजुकी मारुति सुजुकी के बारे में पता ही होगा हीरो होंडा के बारे में पता ही होगा आपको ये पता होगा कि हीरो इज एन इंडियन कंपनी होंडा इज ए जापानीज कंपनी लेकिन वो दोनों कंपनी का मर्जर हुआ था बिफोर टू टू थ्री डिकेड्स राइट right? और उन्होंने एक साथ होके प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने की बात की थी बिकॉज हमारे पास लेबर अच्छा है और जापानीज़ के पास टेक्नोलॉजी अच्छी है इसीलिए ये दोनों कंपनी का कोलोब्रेशन हुआ था मर्जर हुआ था लेकिन अब क्या सिनारियो है थोड़ी बहुत प्रोडक्ट के अंदर हीरो और होंडा कंपनी अब स्प्लिट हो गई है राइट right? अब सिर्फ हीरो कंपनी आती है या फिर सिर्फ हंडा कंपनी का नाम आता है सी स्टूडेंट्स दिस इज हाउ कि हम मर्जर कर सकते हैं कोलोब्रेशन कर सकते हैं लाइकवाइज मारुति सुजुकी मारुति इज द इंडियन कंपनी वेर एस सुजुकी इज द जापानीज़ कंपनी राइट ये दोनों कंपनी का मर्जर हुआ था राइट मारुति सुजुकी मारुति इंडियन कंपनी है सुजुकी जैपेज कंपनी है ये दोनों कंपनी का भी मर्जर हुआ है क्यों अगेन द सेम थिंग हमारे पास लेबर अच्छा है उनके पास टेक्नोलॉजीज अच्छी है तो अगर हम ये दोनों कंपनी को कॉलोबरेट कर देंगे uh, मर्जर कर देंगे तो भैया हमें बेनिफिट होगा बट डू यू थिंक स्टूडेंट्स की ये कोलोबरेशन ईजी है Do यू थिंक स्टूडेंट्स की ये मर्जर ईजी है नो no, ये इतना ईजी नहीं होता है एक कंपनी इंडिया की है दूसरी कोई कंपनी है अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से एग्जीक्यूटिव को वहां जाना पड़ेगा वहां से एग्जीक्यूटिव को यहाँ आना पड़ेगा टू एंड फ्रो कितना ट्रांसपोर्टेशन इसके लिए एक डिसीजन लेने में कितना टाइम जाएगा अगर डिसीजन लेने में टाइम जाता है तो ऑब्वियसली वहां पर हमें कितना लॉस होगा राइट सो स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्क ग्रुप कोलोब्रेशन एप्लीकेशन के अंदर हमें ऐसी ई कॉमर्स एप्लीकेशन के बारे में सोचना है कि जो ये सारे प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर सके ये सारे प्रॉब्लम्स को डिक्रीज कर सके एलिमिनेट कर सके ये सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सके आप ही सोचो ना स्टूडेंट्स अगर एक डिसीजन लेने के लिए यहाँ से बंदा फ्लाई करके जापान जाता है राइट वहां पे बैठता है मीटिंग होती है डिसीजन आया तो ठीक है वरना वो फिर, फिर भैया कितना वेस्ट होगा लेकिन अगर हम वही चीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज करके सॉल्व कर ले तो ऑब्वियसली इट विल बी देशन फॉर अवर Company, right? So, work group collaboration application can there. One example is video conferencing. राइट right? कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज करके हम क्या कर सकते हैं हम लाइव मीटिंग कर सकते हैं कि जिसके अंदर हम पर्सन को देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं राइट right? ये हम कर सकते हैं फिर अगर हमें डॉक्यूमेंट शेयर करने हो तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इंटरचेंज ईमेल ऐसी एप्लीकेशंस का यूज करो कि जिसका यूज करके हम डॉक्यूमेंट्स इंटरचेंज कर सकते हैं ताकि उसे भी हमें कूरियर में ना भेजना पड़े राइट right? फिर अगर हमें फॉर uh, एग्जाम्पल uh, कोई डिसीशन uh, लेना, लेना है तो सबको इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन के ऊपर मैसेज कर दो भाई अर्जेंट मीटिंग है राइट right? सो so, ऐसी applications के बारे में सोचना है स्टूडेंट ये वर्क ग्रुप कोलोबरेशन एप्लीकेशन के अंदर कि हमारा कोलोबरेशन जो हमने किया है जो मर्जर्स किए हमने वो स्मूथली हम रन कर सके और यहाँ पे आपको पता तो चल ही गया होगा कि हमें यहाँ पे क्या इम्प्रूव करने की जरूरत है यहाँ पे हमें कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग एमोंग द एम्प्लॉइज एंड अदर पीपल वो हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है मीन्स ऐसी एप्लीकेशंस हमें बनानी है कि जो हमारा कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग को इम्प्रूव करे विथ रियल टाइम डेटा राइट right? सो so, हम अगर ये डायरेक्शन में सोचेंगे हम बहुत ही अच्छी तरह से वर्क ग्रुप कोलोबरेशन एप्लीकेशन के बारे में सोच सकते हैं राइट सो स्टूडेंट दिस वॉज ऑल अबाउट वर्क ग्रुप कोलोबरेशन एप्लीकेशन पॉइंट विद इन दॉपिक दट इज वन पॉइंट फाइव ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशनल एप्लीकेशन राइट So, अगर हम ये पूरे टॉपिक को समप करें राइट हम ये पूरे टॉपिक को मतलब रिवाइज uh, करें तो शॉर्ट में हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल एप्लीकेशंस, राइट कि जो हम इ e कॉमर्स के रिलेटेड सोच रहे हैं, वो कौन कौन सी चीजें फुलफिल करती होनी चाहिए इट मस्ट मैट द चैलेंजेस ऑफ न्यू बिजनेस एनवायरमेंट वो तो हमने पहले ही डिस्कस किया लेकिन उसके साथ साथ उसे किसके ऊपर एम्फेसाइज करना है सर्विस की क्वालिटी के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर और जो हमारा प्रोडक्शन है उसके कस्टमाइजेशन के ऊपर एम्फेसाइज करना है फोकस करना है ताकि हम कस्टमर्स के नीड को फुलफिल कर सके कस्टमर की डिमांड को फुलफिल कर सके राइट right? तो अगर हम शॉर्ट में बात करें ना स्टूडेंट्स ये इ कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशनल एप्लीकेशन की तो हम इस हिसाब से इसे सोच सकते हैं कि हमें क्या करना है हमें ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशनल एप्लीकेशन को इस हिसाब से बनाना है ताकि जो भी वो बिजनेस एनवायरमेंट है उसकी चैलेंजेस को भी फेस कर सकता है एंड अलोंग विद डेट हमें फोकस करना है हमारी सर्विस क्वालिटी के ऊपर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर और हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके कस्टमाइजेशन के ऊपर भी हमें फोकस करना है लेकिन ये सारी चीजें क्यों करनी है क्योंकि हमें कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करना है कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करना है कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करना है राइट सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक 1.5 ऑर्गेनाइजेशनल एप्लीकेशन राइट सो अगर आपको कोई डाउट है कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे पूछ सकते हो और उसके बाद हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे